अब ये बताओ मेरे चैनल को सब्सक्राइब किसने नहीं किया, और जिसने नहीं किया वो आगे आए। मानव तूने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया? सब्सक्राइब तो मैंने किया था। तो आगे क्यों आया? मैं कहाँ? दोस्तों आज की वीडियो धमाल मूवी के ऊपर है। इस वीडियो से किसी भी डायरेक्टर या एक्टर को हेट करना नहीं चाहता हूं। इस वीडियो का मकसद सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट है, तो इस वीडियो को एंटरटेनमेंट के लिए देखना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूं। वीडियो के पहले सीन में रोए के कोटी के बटन लगे हुए हैं, बट अगले सीन में जब उनको उठा के फेंक दिया जाता है तो उनके वो बटन ओपन हो जाते हैं। यहाँ पर ये बंदी इस बंदे के बहुत पास खड़ी होती है, बट अगले सीन में वो बंदी गायब हो जाती है। और बात करें इस सीन की, तो ये सीन पूरा का पूरा एक वीडियो का कॉपी किया गया है। अब इस सीन में भी देख लो, बम्बन को खूब पता है मेरे पप्पा बहुत गुस्से वाले हैं, बिना गलती के भी बहुत मारते हैं, बट इसको कार की आवाज निकालकर पड़ी लकड़ी लेना जरूरी था। इस सीन में जब पिज्जे को ऊपर के लिए फेंकते हैं तो पिज्जे की नोक राइट साइड में होती है, बट अगले सीन में उस पिज्जे की नोक लेफ्ट साइड में हो जाती है। इस सीन में इस पुलिस वाले को किसी का मर्डर करना ही नहीं है, तो ये अपनी गन रोमाल से क्यों साफ कर रहा है। इस सीन में रोए का जैकेट रोए के दोनों हाथों के बीच में होता है, बट अगले सीन में वो जैकेट रोए के हाथ के ऊपर आ जाता है। इस सीन में जब कार का एक्सीडेंट होता है, कार जाके खाई में गिरती है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो लाइट बिल्कुल ओके और कार भी बिल्कुल सही दिख रही है, बट अगले सीन में कार की लाइट फूटी दिखाई जाती है और कार की बहुत बुरी हालत दिखाई जाती है। इस सीन में इस बंदे के गाल के ऊपर खून निकल रहा है, बट अगले सीन में वो खून गायब हो जाता है। और ये बाल्टी इस बंदे से एक कदम की दूरी पर होती है, बट अगले सीन में वो बाल्टी दोनों पैरों के बीच में आ जाती है। इस सीन में ये कार जब जंप करती है तो इस कार के पहिए का ढक्कन ऑटोमेटिकली निकल जाता है, बट अगले सीन में वो ढक्कन फिर से लग जाता है। इस सीन में संजय दत्त के हाथ में एक मोबाइल होता है, बट अगले सीन में वो मोबाइल गायब हो जाता है। इस सीन में रोय अपनी बेल्ट से गन को खींचने की कोशिश कर रहा है, तो इनके हाथ की आस्तीन चढ़ी हुई है, बट अगले सीन में वो शर्ट की आस्तीन नीचे आ जाती है। इस सीन में आप साफ देख सकते हो ये लोग इस डोरी से बंधे हुए नहीं हैं, बल्कि किसी और चीज़ से बंधे हुए हैं। रोहित ने कोल्ड ड्रिंक की बोतल का ढक्कन खोल दिया है, बट पी एक बार भी नहीं है। इस सीन में मानव के हाथ में एक चॉकलेट होती है, बट अगले सीन में वो चॉकलेट गायब हो जाती है। रोहित संजय दत्त की जिप्सी लेकर भागते हैं, बट रोहित के पास जिप्सी की चाबी कहाँ से आई? और बमन को भी इस ट्रक की चाबी पता नहीं कहाँ से मिल जाती है, और आदि मानव को भी इस बुलेट की चाबी मिल जाती है। इस रोड पर इन चार के अलावा और कोई गाड़ी या बाइक क्यों नहीं है? इस सीन में बमन लिफ्ट मांग रहा है, इसके पीछे कोई दीवार नहीं होती है, बट अगले सीन में वो दीवार आ जाती है। अरे फिर कितने चाहिए? वाह भाई, अपनी हन के बच्चों को 100 तक की गिनती नहीं आती और इस बच्चे को करोड़ों तक की पता। इस सीन में रोए ने जैसे तैसे बंदूक बनाई है, बट इनको ब्लैक कलर करने के लिए ब्लैक कलर कौन दे गया? इन भाई साहब को बाप माँ मामा से बहुत नफरत है, तो इन्होंने बाप माँ मामा के सॉन्ग क्यों डाउनलोड कर रखे हैं? आदि मानव जब टैक्सी में बैठते हैं तो इनके पास गड्ढा खोदने के लिए कोई औजार नहीं होता है, जब टैक्सी पर से उतरते हैं तो गड्ढा खोदने के लिए इनके पास औजार आ जाते हैं। पप्पा जी और बम्मन के पास भी गड्ढा खोदने के लिए औजार आ जाते हैं। बाहु भाई और रोए के पास भी गड्ढा खोदने के लिए औजार आ जाते हैं। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना और चैनल को कर देना सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली नई वीडियो पर।